तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और मैं आज आपसे बात करने वाला फिंगरप्रिंट्स के बारे में। तो नॉर्मली से हम लोग के जो फोन में होते हैं फिंगरप्रिंट्स, वो क्या होता है कि नॉर्मल फिंगरप्रिंट्स होते हैं जिस, और एक होता है अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट, जो कि फ्रेंड्स इंडिया में सिर्फ एक ही फोन में अभी आया हुआ है, एक नहीं दो फोन में आया हुआ है फ्रेंड्स, एक सैमसंग के S10 में और एक वन प्लस के फोन में। तो फ्रेंड्स आज मैं बात करूंगा कि ये अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट्स और एक नॉर्मल फिंगरप्रिंट में डिफरेंस क्या होता है और क्या खासियत है, क्या फायदे है, क्या नुकसान है, दोनों चीज का मतलब आज डिफरेंस में बात करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखना और अच्छा लगे तो लाइक करना, हमारे चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। हमारे जो नए लर्न, सबसे पहले बात कर लेते अपना जो अभी के टाइम में अभी आप जो फोन यूज करते हैं उसके फिंगरप्रिंट्स के बारे में। तो वो फिंगरप्रिंट्स क्या होता है कि नॉर्मल से आप ऐसे टैप करते हैं और वो फिंगरप्रिंट्स खुल जाता है, और इसके बाद फ्रेंड्स वो फिंगरप्रिंट्स अगर आपका अंगुली में अंगुली या हाथ भींगा हुआ रहता तो वो फिंगरप्रिंट्स नॉर्मली से काम नहीं करता, या तो फ्रेंड्स आपका फोन अगर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट्स है तो आप नॉर्मल से ग्लास लगाने के बाद भी आपका फोन काम करने लगता है, तो ऐसे कुछ फिंगरप्रिंट्स होता है। और इस टाइप के फिंगरप्रिंट्स बहुत ज्यादा हैकिंग करने में बहुत ही ज्यादा इजी होता है, मतलब आपका फिंगरप्रिंट्स को कोई भी कॉपी करके खोल सकता है। ये होता है इस टाइप का फिंगरप्रिंट्स नॉर्मल जो हमारे और आपके फोन में दिए होते हैं, और जो एक अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट्स होते हैं इसके जो फायदे और नुकसान इस बारे में बात करूंगा। तो फ्रेंड्स नॉर्मली से आपको देखने को मिल जाएगा सैमसंग गैलेक्सी S10 में, तो पहला फोन है सैमसंग का जिसने इस टाइप का जो फिंगरप्रिंट्स को लाया गया है। और इस फिंगरप्रिंट्स के बाद क्या मतलब इस फिंगरप्रिंट्स के फायदे क्या है फ्रेंड्स बताऊंगा। तो फिर जब भी आप इस टाइप का फिंगरप्रिंट्स का यूज करते हैं तो जब आप अपने अंगुली को उस फिंगरप्रिंट्स के ऊपर टच करेंगे तो क्या होता है कि उसका आपका अंगुली का जो फिंगर है उसका ध्वनि को कैप्चर करती है पहला ना, और उसके बाद फ्रेंड्स क्या करता है कि वो आपका ध्वनि को कैप्चर करने के बाद एक 3D छवि मतलब एक 3D पिक बनाती है आपका फिंगर्स का, ठीक है, जो ये फिंगर्स के रेखाएं होते हैं इस फिंगर्स के अंदर उसके एक 3D पिक बनाती है, और उसके बाद ये फिंगरप्रिंट्स का रूप में काम करती है और आपका मोबाइल को अनलॉक करती है तो लॉक करती है। तो इस टाइप से आपका वो अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट्स काम करती है, मतलब बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी में बनाया गया है इस फिंगरप्रिंट्स को, और इस फिंगरप्रिंट्स को आसानी में खोलना इम्पॉसिबल है। मतलब ये ऐसा होता है ना कि बहुत कोई सोचता है कि फिंगरप्रिंट्स को हैक कर सकते हैं, मतलब कोई उसके ऊपर एक केमिकल आता है उसके ऊपर लगा के फिंगरप्रिंट्स को से टैप करके खोल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा फ्रेंड्स इस अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट्स में। ये बहुत ही ज्यादा मतलब कि सिक्योरिटी में बनाया गया है। इसमें फ्रेंड्स आपका उंगली का जो ध्वनि होता है एक साउंड वो भी कैप्चर करती है, तभी आपका जो फिंगरप्रिंट्स को ऑब्जर्व करती है, लेती है और एक 3D फोटो बनाती है। और फ्रेंड्स इसकी जो फायदे है ये है कि आपका हाथ भींगा भी हो सकता है, मतलब पानी से भींगा होकर भी आप अगर इस पर टैप करते तो फिर भी ये आपका जो फिंगरप्रिंट्स है काम करेगी और आपका मोबाइल को अनलॉक कर देगी। तो ये फायदे है। और इसके नुकसान की बात करें तो इसमें अगर आप 3D मतलब ग्लास लगा लेते हैं अपना डिस्प्ले के ऊपर, अगर टेम्पर्ड ग्लास लगा के रखते हैं तो ये जो फिंगरप्रिंट्स है ये काम नहीं करेंगे, वर्किंग नहीं करेंगे, क्योंकि आपका जो फिंगरप्रिंट्स इस अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट जब भी काम करते हैं ध्वनि को ऑब्जर्व करते हैं, ध्वनि लेती है उसके बाद 3D पिक्चर बनाती है। तो फिर जो मतलब ग्लास लगाने के बाद टेम्पर्ड ग्लास लगाने के बाद फिर आपका क्या होगा कि वो जो ध्वनि है वो फिंगरप्रिंट्स के पास पहुंच ही नहीं पाएगा, मतलब वो बीच में रुक जाएगा, तो इस तरह से आपका जो फिंगरप्रिंट्स काम नहीं करेगा। और जो फिंगर अच्छा वीडियो में इतना ही, आई होप फ्रेंड्स वीडियो यूजफुल रही होगी, नॉलेज यूजफुल होगी। तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।